टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। जानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में फलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। तेरह दिन के प्रधानमंत्री, तेरह महीने के प्रधानमंत्री, और फिर 63 महीने तक सत्ता का शिखर। क्या इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी को इसी पहचान के साथ याद रखेगा? शायद नहीं, क्योंकि इस जननायक ने दल नहीं, लोगों के दिल जीते। जनसंघ का दीपक जलाकर राजनीति की नई राह खोजने वाले वाजपेयी देश की सत्ता के ऐसे सितारे बने जो अपनी रोशनी खुद आप हैं। आजाद भारत के राजनीतिक आसमान पर सबसे लंबे वक्त तक चमकने वाले सूरज हैं वाजपेयी। लेकिन वो देश के सबसे बड़े ओहदे तक इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने सत्ता के तूफान में भी गाए उम्मीदों के गीत। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। कविता अटल बिहारी वाजपेयी के खून में मौजूद थी। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के गोरखी स्कूल में एक कड़क स्कूल मास्टर के तौर पर मशहूर थे, लेकिन उनका मिजाज शायराना था। पिता की कविताएं अटल की प्रेरणा बनी, लेकिन कवि अटल को असल धार दी उनके दादा पंडित श्यामलाल जी ने। बचपन में अटल आगरा के बटेश्वर में अपने दादा के पास रहने आ गए और यहीं कथावाचक दादा से कविता में गहरे उतरने के गुण सीखते रहे। नाता तो उनका गांव इसलिए था क्योंकि उनके फादर जो है यहीं पैदा हुए थे, और वो जो है फिर यहाँ से जब अंग्रेजों का वो हुआ जाके तो वो ग्वालियर शिफ्ट हो गया जाके 1942 में। तो उनकी यादें तो यहीं से बचपन से शुरुआत हुई है। राजनीति भी उनकी बटेश्वर से शुरू हुई। आते थे इस जमुना जी में, नहाते थे इसमें, ऊपर जाके जो है कबड्डी वबड्डी खेलते थे, मतलब सब। हाँ, आए दो चार दफे आए हैं, मंदिर पे आए थे। पहले यहाँ बताते थे कि हम यहाँ कबड्डी खेलते थे, आपके पिताजी के पास हम दूध पीते थे, और यहाँ से फिर वहाँ जंगलात की कोठी का वो रट्टा हो गया था, फिर यहाँ से वो पढ़ते पढ़ते ग्वालियर। बटेश्वर नाथ यूं तो अपने मंदिरों के लिए भी पूरे इलाके में जाना जाता है, लेकिन पूरे देश में ये गांव अटल बिहारी वाजपेयी के गांव के नाम से मशहूर है।
हालांकि वाजपेयी यहां से दूर रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस गांव से अपना नाता बनाए रखा और समय समय पर वो यहां जरूर आते थे, खासकर यमुना नदी में तैराकी सीखने का और यमुना नदी पार करके कबड्डी खेलने जाने का उन्हें बहुत शौक था। और एक बार ये शौक उन्हें महंगा भी पड़ने लगा था। एक बार नदी में डूब भी चुके थे, लोग नाले वालों ने पकड़ लिया, जो और साथी लोग थे उन्होंने जो उनको जो है निकाला, पकड़ लिया, तैरना सीख रहे थे। दादा के लाडले नन्हे अटल की बदमाशियां जब यमुना के बहाव से तेज हो गई तो उनके पिता उन्हें पढ़ाई के लिए बटेश्वर से ग्वालियर ले आए और फिर चला पिता के अनुशासन का डंडा। लेकिन अक्ल के धनी वाजपेयी ने पिता के गोरखी स्कूल में दिमाग के ऐसे घोड़े दौड़ाए कि हर परीक्षा में हमेशा अव्वल आए। स्कूल की पढ़ाई अभी जारी थी कि युवा अटल ने सीखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला सबक। 16 साल की उम्र में वो बन गए संघ के स्वयंसेवक। प्रतिवर्ष एक शिक्षण वर्ग लगता है, कानपुर में लगा था और उसमें अटल जी आए थे। तो रात के समय खाना बिना खाने के बाद सब लोग बैठते थे तो उसमें कविता है, कहानी है, यही सब हुआ करता था। उसमें पहली बार अटल जी की मैंने कविता सुनी और वो कविता वही थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। लेकिन अटल जी ने हिंदुत्व को कितने व्यापक रूप में समझा था ये उस समय भी उस कविता में प्रकट होता था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1942 में महात्मा गांधी के इस नारे को नौजवान अटल ने भी जमकर बुलंद किया। नतीजा, पुलिस की हिटलिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर आ गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए पिता ने उन्हें ग्वालियर से दादा के पास बटेश्वर भेजा, लेकिन वहां भी वो आंदोलन पर अटल रहे। आखिर एक दिन पुलिस ने उन्हें दबोच ही लिया और फिर 24 दिनों की जेल। बटेश्वर के इसी आंदोलन को लेकर उठे एक विवाद ने लंबे वक्त तक वाजपेयी का पीछा नहीं छोड़ा। हमारी उम्र उस समय बहुत कम थी, कोई होगी 6-7 साल की और जो वो थे 14-15 साल के। तो थोड़ा सा अपना बचपन का वाकया तो कुछ पता नहीं है, पर जो सुना हुआ है, सुना जो हैगा कि ये अंग्रेज लोग यहाँ पर जो हैगा परेशान कर रहे थे और ये इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था तो उसमें ये जेल भी गए हैं, यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ से 4-5 आदमी जो है इसमें खास थे। इसी कॉलेज की शांत संयम और निर्मल फिजा ने वाजपेयी के छात्र जीवन को और निखारा और उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ वाजपेयी ने सियासत के शुरुआती गुर भी सीखे। यहाँ से सीखे हुए सियासत के गुरों ने एक दिन उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना दिया। ब्रिटिश हुकूमत की गिरफ्त से छूटने के बाद भी अटल के कदम बहके नहीं। एक तरफ संघ की शाखा में देशभक्ति का पाठ तो दूसरी तरफ ग्वालियर के कॉलेज में बीए की पढ़ाई। युवा अटल ने आगे कानून की डिग्री के लिए कानपुर में डीएवी कॉलेज का रुख किया, लेकिन तब तक संघ की सीख ने उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया और 25 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया अपनी जिंदगी का सबसे अटल फैसला, शादी न करने का फैसला। सबने किया, बहुत जोर दिया, खुद की माँ ने भी दिया, हमारी माँ ने भी दिया, तो बोले नहीं क्या करना है, तो घर में दो दो जने क्या जरूरत शादी करना, शादी करना कोई जरूरी कर लो, फिर कहीं चले जाओ तो फिर बुरा लगे कि लो हमको छोड़ के चले गए, तो इसलिए उन्होंने नहीं शादी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के एक बड़े सियासी नेता तो जरूर थे, साथ ही एक बड़े परिवार के सदस्य भी थे और अपनी सियासी जिंदगी से जब भी वो कुछ वक्त निकाल पाते थे तब वो अपने परिवार से मिलने ग्वालियर जरूर जाते थे। वक्त
और दूरी की मार भी इन रिश्तों के धागों को कमजोर नहीं कर पाई। पारिवारिक परिवेश में आने के बाद वो राजनीति की कहीं से भी नहीं लगते थे। बाहर जो उनके बारे में सुनता था और घर में उनको देखता था, दोनों उनके रूप बिल्कुल अलग रहते थे। घर में बिल्कुल बच्चों के बीच में मिलना, हंसना, बातें करना, माहौल कुछ अलग ही अनूठा रहता था। पिताजी ने पत्र लिखा कि अटल सबलगढ़ में रह रही हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो उनका जवाब आया सबलगढ़ में सबल बन के रहो। उन्होंने अपने पद का उपयोग नहीं किया। 7 साल संघ के साये में गुजारने के बाद अटल की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। लखनऊ में अमीनाबाद इलाके की इसी मारवाड़ी गली के एक तंग कमरे से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपनी पत्रिका राष्ट्र धर्म की शुरुआत की थी और उसके पहले संपादक बने अटल बिहारी वाजपेयी। उन दिनों वाजपेयी कॉलेज की पढ़ाई के आखिरी साल में थे, देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था। ऐसे माहौल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के साथ अटल के कंधों पर संघ ने रख दी पत्रिका की अहम जिम्मेदारी। और राष्ट्र धर्म मासिक एक सांस्कृतिक पत्रिका थी, राजनीतिक नहीं थी। पांडुजन ने राजनीतिक पत्रिका थी, तो सांस्कृतिक पत्रिका में राष्ट्र धर्म में सामान्यतया हिंदी है, संस्कृति है, देश है, इन सब के बारे में ज़्यादातर लेख हुआ करते थे। पांचजन ने जब निकला तब पांचजन में राजनीति आई और राजनीति पर जो लेख होते थे वो ज़्यादातर अटल जी के या दीनदयाल जी के होते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र धर्म ने जल्द ही कांग्रेस और कम्युनिस्टों की नींद उड़ा कर रख दी। राष्ट्र धर्म की कामयाबी से जोश खाए संघ ने उसी साल साप्ताहिक पांचजन्य भी छापना शुरू कर दिया। राजनीतिक तेवरों से लैस पांचजन्य के जरिए अटल ने कांग्रेस की नीतियों पर जमकर तीर चलाए, लेकिन पांचजन्य की आवाज उस वक्त दब गई जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई, संघ पर पाबंदी लगी और राष्ट्र धर्म और पांचजन्य के दफ्तर पर ताले जड़ दिए गए। कार्यालय पर बंदी, लोगों को बंद बनना, उठा करके बंद कर देना, सब चल रहा था। गांधी हत्या के बाद संघ पर जो प्रतिबंध लगा उसके विरोध में अटल जी ने पहला संपादकीय लिखा था, उसके बाद वो ताला लग गया, लगना ही था वो तो। उसके बाद सब लोग भागते फिरते थे, मैंने हम सब लोग अंडरग्राउंड थे, जो बाहर थे, जो जेल में चले गए वो जेल में चले गए। पत्रकारिता की दुनिया में 3 साल गुजारने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नसीब ने एक बार फिर करवट ली। देश की संसद में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जब 1951 में जनसंघ की नींव डाली तो अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति के मैदान में अपना पहला कदम रख दिया। अटल का नसीब उन्हें लखनऊ से दिल्ली दरबार तक ले आया और इसी के साथ शुरू हो गया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। बंगाल से जब काफी तादाद में हिंदू भाग कर आने लगे तो डॉक्टर मुखर्जी बहुत व्यथित हुए, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने उस समय नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री थे, वो मंत्री पद का त्याग किया और एक पार्टी लॉन्च करनी चाहिए, तो वो संघ के गोलवल करजी से मिले। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, संघ तो राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ कार्यकर्ता देता हूँ, वो जगह जगह पर पब्लिक को और स्वयंसेवकों को मोबिलाइज कर लेंगे। तो 3 लोग दिए गए, एक दीनदयाल जी, एक नाना जी देशमुख और एक अटल बिहारी वाजपेयी। जनसंघ का दीपक लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ देश भर में तूफानी दौरा किया, क्योंकि जनसंघ बनते ही देश में पहले आम चुनाव का ऐलान हो चुका था। ये वो दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी। जाहिर था पहले चुनाव में ही जनसंघ का सूपड़ा साफ हो गया और उसे सीटें मिली सिर्फ 3। जनसंघ को दूसरा बड़ा झटका उस वक्त लगा जब 2 साल बाद ही उसके अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर में मौत हो गई। दिसंबर में कानपुर में जो हमारा पहला अधिवेशन हुआ उसमें जो वर्किंग कमेटी बने उसमें अटल जी को लिया, उनका दौरा हुआ उसमें अटल जी उनके साथ थे सारी सभाओं में, और मेरा ख्याल है
पहली बार सारे देश में जो 5-6 बड़ी सभाएं हुई अटल जी डॉक्टर मुखर्जी के साथ गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद कौन? जनसंघ में ऐसे नेता की तलाश शुरू हो गई जो कांग्रेस जैसी बड़ी और मजबूत पार्टी को चुनौती दे सके। साधनों की किल्लत और डॉक्टर मुखर्जी की मौत ने जनसंघ की जड़ें जमने से पहले ही हिला दी थी। ऐसे मुश्किल हालात में जनसंघ ने युवा वाजपेयी पर खेला बड़ा दांव। उन्हें 57 के दूसरे आम चुनाव में जनसंघ ने अपना स्टार प्रचारक बनाया और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से मैदान में उतरे अटल के लिए संसद के दरवाजे खुल गए। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई उस वक्त भी ऐसे थे कि अब ये जनसंघ चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे ही जो प्रमुख 5-6 लोग थे उनकी हिम्मत है कि उन्होंने न केवल उसको चलाया और अल्टीमेटली यानी किसको अध्यक्ष बनाए, हम सब लोगों को पहचानता कौन था, लड़के लड़के तो थे हम सब। तो उस समय बलरामपुर ये संघ के प्रभाव का क्षेत्र था, गोंडा जिला जिसमें बलरामपुर एक तहसील थी केवल, मुझे याद है कि सैकड़ों संघ के स्वयंसेवक अपनी साइकिल निकाल करके अपने साथ चना लैया बांध करके 8-8 दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम जाते थे। जो इश्यूज उठाए वाजपेयी जी ने खासतौर पर कश्मीर की नीति के बारे में और ईस्ट बंगाल की सरकार की नीतियों के बारे में, उनकी आलोचना बहुत कटु होती थी लेकिन न चुभने वाली भाषा में वो सब बातें वो कहते थे जो लोगों को अच्छी लगती थी। इसलिए जिस दिन उनका भाषण होता था सारा हाल भरा होता था, लोकसभा का स्टाफ भी सारा आ जाता था उनको सुनने के लिए। पहला भाषण जो पार्लियामेंट का हुआ, उस पार्लियामेंट के उस भाषण पर, भाषण के बाद नेहरू जी आए और उन्होंने अटल जी की पीठ थपथपाई, भाई तुम बहुत अच्छा बोलते हो लेकिन एक बात याद रखो, ये लाल किले का मैदान नहीं है, ये पार्लियामेंट है, इसलिए यार तैयारी करके आया करो। और उसके बाद से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। संसद भवन जनसंघ के उरूज का गवाह है। 1951 में 3, 1957 में 4 और 1962 के आम चुनाव में 14 सीटें जीतकर जनसंघ के हौसले बुलंद हो चले थे। संसद के अंदर और बाहर अटल के पैने भाषण कांग्रेस के विरोध की धुरी बन चुके थे। संसद में उनके तीखे तेवरों से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी न बच सके। जब वो बोलते थे तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता था और उनकी जुबान से निकला एक एक शब्द पिघले शीशे की तरह कानों में उतर जाता। अटल बिहारी वाजपेयी की कांग्रेस विरोधी राजनीति जब चमकने लगी थी तभी मानो पार्टी पर वज्रपात हुआ। 1968 में जनसंघ अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमयी हालात में अचानक मौत हो गई। अटल बिहारी के सिर पर तो मानो आसमान ही फट पड़ा। पंडित दीनदयाल न सिर्फ उनके राजनीतिक गुरु थे बल्कि जनसंघ की रीढ़ थे। उनकी मौत ने पार्टी को एक बार फिर गहरे संकट में ला खड़ा किया और ऐसे हालात में संगठन की अहम जिम्मेदारी भी अटल बिहारी ने संभाली। और दीनदयाल जी की मृत्यु जब हुई तब भी बिल्कुल साए लगता था, तो अटल जी को तब तक थोड़ा उनका नाम भी हो चुका था और वो लोकसभा के कारण और देश भर में पार्टी के लिए दौरा करने के कारण और संगठन से जुड़े होने के कारण बहुत संगठन की पकड़ और समझ, नीतियों के निर्धारण में उनका योगदान, ये सब ऐसा था। उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने मना किया लेकिन उनको ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बेंगलोर के सेंट्रल जेल में महीनों बिताए हैं। कैदी कवि राय के नाम से उन्होंने यहीं अपनी कई मशहूर कविताएं भी रची।
दरअसल 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान किया तो राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर सील कर दिए गए, नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के इंदिरा विरोधी आंदोलन में जनसंघ भी शामिल था, लिहाजा इमरजेंसी का शिकार अटल भी बने। अटल जी बेंगलोर में पकड़े गए थे और अटल जी से वहाँ के लोगों का कांटेक्ट हो रहा था, इसलिए ये लोग क्या करते थे कि या तो सॉलिटरी सेल देते थे या फिर जेल ट्रांसफ़र कर देते थे, क्योंकि इनका प्रभाव और लोगों पर ना पड़े। तो कुछ जैसे दिल्ली के अंदर तो सॉलिटरी सेल दे देते थे, जयप्रकाश जी को, नाना जी को सॉलिटरी सेल, अकेले एकांत में रख दिया एक कोठरी, अटल जी को ट्रांसफर करना पड़ा। एक तरफ संघ पर प्रतिबंध तो दूसरी तरफ जनसंघ का दफ्तर बंद। घर परिवार से दूर जेल की चार दीवारियों में वक्त था कि कटता नहीं था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अकेलेपन को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। जेल की सलाखों के पीछे जब जिंदगी बेमकसद बेमानी नजर आने लगी तो कैदी कवि राय का जन्म हुआ। फिर आखिर वो वक्त भी आया जब इमरजेंसी की अंधेरी रात गुजर गई और देश में चुनाव का सूरज चमक उठा। उस समय संघ का जो नेटवर्क था वो इतना प्रभावी था कि कोई भी बात करने में हम लोग जेल में होते हुए भी हर एक बात प्रतिदिन दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, एक व्यक्ति आना जाना, सारे पत्रों को लाना, और जेल अधिकारी मित्र बन गए थे सब। इसीलिए अब देखिए इमरजेंसी हटने के तुरंत बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन की तैयारी करने का जनता पार्टी को कोई समय नहीं मिला, लेकिन जेल के अंदर बैठे बैठे ये तंत्र खड़ा हो रहा था। इमरजेंसी के बाद हुए 77 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली से चुनाव जीते और देश की पहली गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए। पद संभालते ही उनका पहला मिशन था पड़ोसी पाकिस्तान। विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में बोले तो उनके भाषण की गूंज सारी दुनिया ने सुनी, लेकिन मुरारजी देसाई की सरकार जल्द ही दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर बिखर गई। उन्होंने इशू बनाया जो कभी इशू नहीं था। राजनीति में जिस वक्त हमारा संबंध जनता पार्टी से है तो हम वो नाता क्यों तोड़े, और जब पार्टी बनी थी हम तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, ये सबको पता था। और 1977 का चुनाव हम सब लोगों ने लड़ा, हमें आरएसएस के जितने लोग थे उनकी ताकत का सहारा मिला, इसलिए हम जीते, तो हम उनसे नाता क्यों तोड़ेंगे। चौधरी चरण सिंह ये वास्तव में उस समय प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने लालायित थे कि जनता पार्टी टूटने के पहले ही चरण सिंह जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के साथ मिल लिए। जनता पार्टी 6 महीने बाद टूटी, और फिर जब जनता पार्टी टूटी तो जनसंघ के पास कोई विकल्प ही नहीं था, तो जनसंघ के लोगों ने फिर इकट्ठा होकर दिल्ली में और फिर से हमला किया, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा। जनसंघ का दीपक बुझाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी की जो दिवाली मनाई उसकी खुशियों ने ही उनके राजनीतिक ताने बाने को झलसा कर रख दिया था। जनसंघ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रिश्तों को लेकर जनता पार्टी में सवाल खड़े हुए और वो टूटकर राजनीतिक मलबे में तब्दील हो गई। लेकिन जनता पार्टी के इसी कीचड़ में खिला कमल। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। जनसंघ या बाद में भारतीय जनता पार्टी, बुनियादी सोच उनकी यही है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस देश की
हर सुविधा का उतना ही अधिकारी है जितना हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो। उनकी सोच कभी ये नहीं रही कि ये हिंदू है या मुसलमान है, और किसी ने भी कोई प्रश्न पूछा हो तो उसी बात को आधार रखकर वो उत्तर देते थे। आज भी मैं कश्मीर में कई मुसलमान सज्जनों से मिला हूँ तो वो कहते जी वाजपेयी जी होते तो समस्या ये कभी की सुलझ गई होती। यानी इतना एतकाद उनका वाजपेयी भी था। बेशक संघ का साथ था, लेकिन यह हौसला अटल बिहारी वाजपेयी का ही था कि उन्होंने 26 साल पुराने जनसंघ जैसे ब्रांड को छोड़कर नए नाम से पार्टी को खड़ा करने का फैसला लिया। और वाजपेयी के करिश्मे ने कुछ सालों में ही भारतीय जनता पार्टी को देश भर में पहचान दिला दी। लेकिन बीजेपी के कमल को असली रंगत दी लाल कृष्ण आडवाणी ने। 1986 में आडवाणी ने जब बीजेपी की कमान संभाली तो गुलाबी कमल भगवा हो गया। उन दिनों राम जन्मभूमि का आंदोलन देश में चल रहा था तो वहां इस पर चर्चा हुई, तो एक प्रस्ताव आया कि उस आंदोलन का हम समर्थन करें क्योंकि वहां जो ढांचा खड़ा है ये गुलामी का प्रतीक है और हम चाहते हैं वो ढांचा वहां पर ना रहे। तो अटल जी की राय बाकी वर्किंग कमेटी के लोगों से नहीं मिलती। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का दायरा तेजी से फैलाया। पार्टी की सीरत और सूरत भी तेजी से बदली, बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी की उदार छवि पर खरोंच तक नहीं आई। फिर उछला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का अहम मुद्दा। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल कार्ड की काट में आडवाणी ने हिंदू कार्ड खेलते हुए सोमनाथ से रथ यात्रा का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर अटल आडवाणी में मतभेद की खबरें गर्म हुई। उनकी राय ये थी कि हम एसोसिएट ना करें, लेकिन सब एसोसिएट कैसे नहीं करेंगे, ये इशू है, नेशनल इशू है, नेशनल हेरिटेज का प्रश्न है, तो मेजॉरिटी व्यू है, इसलिए उन्होंने सिर झुका दिया। कोई इसमें अटल जी और अडवाणी जी के डिफरेंसेस हैं ये मतलब नहीं। वो सहमत थे लेकिन वो इतना ज़्यादा सहमत नहीं थे कि वो खुद रथ लेके वहाँ जाएं या रथ यात्रा के साथ खुद जाएं, या जिस दिन वहाँ पे रथ पहुँच रहा था अडवाणी जी पहुँच रहे थे वहाँ पे उपस्थित हों। नंबर दो बात यह है कि जब इस रथ यात्रा की सूत्रपात हुआ था तो अडवाणी जी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं कि एक बैठक वाजपेयी के घर पे ही हुई थी। वाजपेयी ने तब कहा था कि भाई एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप अयोध्या जा रहे हैं लंका नहीं। जनसंघ के दीपक से शुरू हुआ राजनीतिक सफर 30 साल में भारतीय जनता पार्टी के कमल तक आ पहुंचा था। बलरामपुर से चला अटल का चुनावी रथ ग्वालियर, दिल्ली और विदिशा होते हुए लखनऊ में आकर रुका। इस दौरान कभी जेल तो कभी रेल में सड़क से लेकर संसद तक वाजपेयी ने संघर्ष की एक महागाथा लिख दी। राष्ट्रधर्म और पांच जन्य पर ताले पड़े, संघ पर प्रतिबंध लगे, इमरजेंसी में जेल की यातनाएं सही, लेकिन इन राजनीतिक आंधियों में अटल बिहारी हमेशा अटल रहे। अड़सठ से लेकर के और 75 तक के काल में वास्तव में जनसंघ के लिए बड़ी चुनौतियाँ थीं। डॉक्टर मुखर्जी चले गए, दीनदयाल जी चले गए और अटल जी के कंधों पर भार आ गया। पार्टी को खड़ा करने का काम उस समय बहुत कठिन था और कांग्रेस की तरफ से जनसंघ को ख़त्म करने के लिए उस समय से हमेशा बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करती थी। सत्याग्रह हुआ इमरजेंसी हटाने के लिए, उसमें भी 80% जनसंघ के लोग थे और ये चीज़ क्रेडिट गोज़ टू नो डाउट अटल जी एंड नाना जी। बीजेपी के रथ की कमान लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में आते ही भारतीय जनता पार्टी कुलाचे भरने लगी। पार्टी का वोट बैंक बढ़ा और नोट बैंक भी। 1991 के आम चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी।
और 1996 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दर्जा हासिल किया। लेकिन पार्टी की इस जबरदस्त कामयाबी के साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी के माथे पर लगा बाबरी मस्जिद को ढहने का दाग, और वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के हिस्से में आया हिंदुस्तान का ताज। आरएसएस के प्रचारक तो नहीं थे वो, लेकिन आरएसएस के और उनके संबंध बहुत पुराने, और जब वो प्रधानमंत्री बने वो खत्म नहीं हो गए। लेकिन जब भी आरएसएस ने कोशिश की कि प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए ये करना चाहिए, ये तो मेरा वो कभी भी हार्ड कोर विचारधारा के समर्थक रहे ही नहीं। आपको याद होगा जब राम रथ यात्रा निकली थी, आडवाणी जी वहाँ से लेकर निकले थे तो भी वो नहीं गए थे वहाँ। तो ऐसे तमाम मौके आए हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि वो केवल और केवल जनता के नुमाइंदे हैं, न कि किसी खास वर्ग के, न विचारधारा के, न किसी संगठन के। जैसे पाकिस्तान ने वो मिसाइल चलाई, गौरी मिसाइल जिसको कहते हैं गौरी, और ये कहा कि हम हिंदुस्तान को कहीं मार सकते हैं, तो अटल जी ने कहा इसको चलो टेस्ट कर। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था पोखरण दो। शुरू में तो बिल क्लिंटन ने भारत के खिलाफ उनके उनका भारत के प्रति उनका रवैया सही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी अटल जी की कूटनीतिक जो मैं समझता हूँ कि कामयाब वो उनकी जो टैलेंट प्रतिभा, उसके चलते अमेरिका और यूरोप के देश सब उनको अटल जी को मानने लगे। वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हर चुनाव के साथ चढ़ता ही जा रहा था। भले ही 1996 में अटल की सरकार महज 13 दिनों में ही ढेर हो गई, लेकिन दो साल बाद 1998 के चुनाव में जनता ने बीजेपी को 177 सीटें देकर फिर वाजपेयी की ताजपोशी की राह बना दी, और इस बार देर किए बिना वाजपेयी ने कर दिया धमाका। टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण बे। 34 साल पहले संसद में एटम बम बनाने का ऐलान करने वाले वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले पोखरण में फोड़े बम। जैसे पाकिस्तान ने वो मिसाइल चलाई, गौरी मिसाइल जिसको कहते हैं गौरी, और ये कहा कि हम हिंदुस्तान को कहीं मार सकते हैं, तो अटल जी ने कहा इसको चलो टेस्ट कर। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था पोखरण दो। शुरू में तो बिल क्लिंटन ने भारत के खिलाफ उनके उनका भारत के प्रति उनका रवैया सही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी अटल जी की कूटनीतिक जो मैं समझता हूँ कि कामयाब वो उनकी जो टैलेंट प्रतिभा, उसके चलते अमेरिका और यूरोप के देश सब उनको अटल जी को मानने लगे। तो जैसे ही हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरण में 11 और 13 मई, भारत उसकी शक्ल बदल गई, भारत उसको लोग दूसरी तरह से देखने लगे। भारत के परमाणु विस्फोट की आवाज सारी दुनिया ने सुनी, अमेरिका से लेकर यूरोप तक विदेशियों के कान खड़े हो गए, और पड़ोसी पाकिस्तान चौंक पड़ा। लेकिन अपनी कविता जंग न होने देंगे की तर्ज पर अटल जी पाकिस्तान को दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए बस में सवार हो गए। लाहौर में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी उनसे जी भर के गले मिले, लेकिन नवाज शरीफ के एक हाथ में था वो खंजर जिसका जख्म 2 महीने बाद सारी दुनिया ने देखा। तो जब वो लाहौर गए बस में बैठे, उसका असर वहाँ पाकिस्तान में बहुत खैर जमात इस्लामी अलग है वो अलग है, लेकिन जो मॉडरेट फोर्सेस हैं पाकिस्तान में उनको बहुत, और नवाज शरीफ के साथ कुछ एग्रीमेंट किए। जब एग्रीमेंट ये सब समझौते हुए उनके साथ 2-3 समझौते हुए, कश्मीर का भी मामला आया कोई कॉम्पोजिट डायलॉग में समझे, और फिर ये कारगिल दूरदर्शिता कि फौज को ये हुक्म दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे नहीं जाओ, यहीं से उनको निकाल, अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर देते दूसरे दिन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती
वहाँ स्टेटस को एंटी हुकुम, और आज आप आज तक पाकिस्तान से बात करते रहते कि वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे, उधर ऊपर कारगिल कहाँ थे जी। वाकई जेन्युइनली बहुत ही सेकुलर आदमी थे। अटल बिहारी वाजपेयी को करगिल के जख्म तो बाद में लगे, उनकी सरकार को एक वोट की चोट पहले ही लग चुकी थी। पहले 13 दिन और फिर 13 महीने। 13 के आंकड़े में वाजपेयी की सरकार एक बार फिर उलझी और 13 महीने हुकूमत करने के बाद महज एक वोट से वाजपेयी का ताज फिर छिन गया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी जयललिता ने जब उनकी सरकार से समर्थन वापस खींचा तो संसद में वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से लटक गई। नहीं, हमें जितने समर्थन की आशा थी वो समर्थन हमें मिला, लेकिन प्रतिपक्ष को अपेक्षा से ज्यादा समर्थन प्राप्त हो गया। और अपने जाती जिंदगी में उन्होंने कभी किसी तरह का द्वेष या भेदभाव अपने मन में रखा नहीं, और ये आज की बात तो नहीं, अटल जी देश की राजनीति में लगभग स्वाधीनता के समय के बाद से, मैंने 5-7 साल में ही वो सक्रिय राजनीति में आ गए। बार बार वो चुनाव लड़े, जीते। लखनऊ में मैंने खुद देखा है किस तरीके से मुस्लिम समाज लखनऊ में उनके लिए, उनके प्रति उनका आदर कैसा था। करगिल जंग के बाद जब 13वीं लोकसभा का नगाड़ा बजा तो एक बार फिर अटल के सामने 13 का आंकड़ा था, लेकिन इस बार 13 का यह आंकड़ा उनके लिए शुभ साबित हुआ। जोड़ तोड़ की राजनीति से उकताए वोटरों ने इस बार बीजेपी गठबंधन को 303 सीटों के सुरक्षित आंकड़े तक पहुंचा दिया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन इस कामयाबी के पीछे भी वाजपेयी का ही करिश्मा था, जिन्होंने बीजेपी को ऐसी चुंबक में तब्दील कर दिया जिसके साथ दूसरी पार्टियां खिंची चली आईं। देश के अंदर एक कोलिशन धर्म को इस तरीके से पालन किया जो एक मिसाल बन गया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं इस धर्म को बाकी लोगों ने भी अपनाया है और इसको चलाने में सक्षम हुआ है। तो सब मिला के मैं कहूँगा कि देश के इतिहास में अटल जी की भूमिका स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि हर दिशा में उनकी उपलब्धि रही है। अभी तक संभव नहीं हुआ है कि किसी ऐसे दल के प्रधानमंत्री ने जितने 22-24 दलों को एक साथ समेटा हो, तो ये उनके अपने व्यक्तित्व का प्रभाव था और इतने एकोमोडेटिव थे कि सारे लोग विपरीत विचारधारा के होने के बावजूद उनके साथ चलने में बहुत समस्याएं उनको नहीं आती थी। एक बार मुझे ख्याल है मेरे ख्याल तुर्की में थे, तो जब तुर्की के प्रधानमंत्री से बात करते बाहर निकले तो तुर्की के प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपके कोलिशन में कितने पार्टनर्स हैं, तो अटल जी ने कहा कि कल तक तो 23 थे, आज कितने मुझे मालूम नहीं। दिस इज द वे, इस तरह से वो इस चीज को। तीसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुंचे वाजपेयी के लिए प्रधानमंत्री का ताज कांटों भरा साबित हुआ। गद्दी संभालने के 2 महीने बाद ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के जहाज को हाईजैक कर देश में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। उनसे जसवंत सिंह जी जो करना चाहते थे कि जाएं वहां पर हमारे जो हाईजैक लोग बैठे हुए हैं वहां उनको लेके आए, ये तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, तो ये मामला उसमें ये ठीक है कि हमने 3 टेररिस्ट छोड़े, लेकिन 3 टेररिस्ट एक तरफ, 160 लोग आपके पड़े हुए वहाँ बैठे वो दूसरी तरफ, तो इस तरह से इस मामले में वो थोड़े से नाराज तो नहीं लेकिन थोड़े दुखी थे। उस घटना ने वाजपेयी की छवि पे थोड़ा खरोंच जरूर लगाई। वाजपेयी, लेकिन वाजपेयी के बारे में मशहूर था कि वो कभी बहुत तेवर वाले व्यक्ति ही नहीं थे, तो इसलिए उनकी छवि पर हल्की सी खरोंच लगी। अदरवाइज वाजपेयी की छवि को टेफ्लान कोटेड इमेज कहा जाता था। करीब 6 साल तक सत्ता की काजल कोठरी में रहे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन देश विदेश में विरोधी भी उनके खामोश अंदाज को उकसा नहीं सके, और उन्होंने ये अपनी कविता नहीं बल्कि राजनीति के दम पर किया। लेकिन करगिल और हाईजैकिंग के जख्म अभी हरे ही थे
कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने देश की संसद पर हमला बोल दिया। इस घटना ने वाजपेयी जैसे संजीदा प्रधानमंत्री के एहसास को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने सेना को सीमा मार्च का हुक्म दे दिया। ২০০৩ में जब अटल जी ने श्रीनगर में एक भाषण दिया, उसमें कहा कि मैं तीसरी बार और आखिरी बार फिर से अपना हाथ बढ़ाता हूँ पाकिस्तान से दोस्ती करने, और मुशर्रफ ने उसका पॉजिटिव जवाब दिया। जो चीज़ पाकिस्तान वहाँ मना कर रहा था आगरा में, उसको माना। कश्मीर को हमने बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, सिर्फ कहा ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग द इशू ऑफ कश्मीर, वो ये हम पहले से कहते आ रहे हैं। और जहाँ तक टेररिज्म का सवाल था, वहाँ अटल जी ने कहा और जो है स्टेटमेंट में है, जॉइंट स्टेटमेंट में, कि वायलेंस टेररिज्म हेट्रेड ये डायलॉग के साथ नहीं चल सकते। इसके पहले के प्रधानमंत्री और उसके बाद के प्रधानमंत्री तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ एक लंबे समय तक बातचीत को बंद नहीं रख पाए। अटल जी के सामने भी कूटनीतिक स्थिति वही थी, आखिर पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, आप भूगोल नहीं बदल सकते, इतिहास भले बदल दें। तो जब पड़ोसी है तो पड़ोसी से रिश्ते अच्छे रखने में ही दोनों मुल्कों का भला है, तो अटल जी वही करते थे। संघ का कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के एजेंडे से बाहर ही रहा, इसलिए राम मंदिर, कश्मीर और धारा 370 के मुद्दे पर आरएसएस कुछ कहता रहा और वाजपेयी कुछ और कहते रहे। लेकिन वो जानते थे कि उपाय टकराव नहीं है और उन्होंने संघ परिवार का अपनी मजबूती के लिए बखूबी इस्तेमाल भी किया। संघ 20 साल तक उनका नारा लगाता रहा और जब वो पहले कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री बने तो कम से कम हिंदुत्व के मोर्चे पर सब कुछ शांत रहा। उनके ऊपर जो उस समय दबाव पड़ा, जो उन्होंने मान लिया, वो था कि जसवंत सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना, अटल जी ने रेजिस्ट किया, लेकिन आरएसएस बिल्कुल। उसके बाद 6 साल आरएसएस ने चाहे जितना भी कहा हो, उन्होंने कभी उनकी बात नहीं। वाजपेयी जी ने संघ परिवार के दबाव को माना होता तो शायद जो कई बार विषम परिस्थितियां आईं और संघ और वाजपेयी के बीच में, या संघ वाजपेयी के जो नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार थे उनके बीच में, या उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके बीच में कई बार इस तरीके की गलतफहमियां हुईं, लेकिन संघ पर वो कभी उन संघ का दबाव नहीं बना, संघ के से झुके नहीं। देखिए, अटल जी को किसी ने आज तक तो कमजोर प्रधानमंत्री नहीं कहा, और अटल जी जब 2004 में बीजेपी को सफलता नहीं मिली चुनाव में, उस चुनाव में भी आप सारे ओपिनियन पोल्स देखिए, अटल जी सबसे आगे, बीजेपी हार गई चुनाव। उस देश के लिए प्रतिदिन कुछ करो। वाजपेयी वो करिश्मा थे जिन्होंने विश्वास के साथ उम्मीद का गीत गाया। इंदिरा के बाद वाजपेयी ने ही परमाणु बम धमाके का साहस दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान का विश्वासघात झेला तो उससे रिश्तों को नई धार भी दी। अमेरिका से नए रिश्तों की शुरुआत करने वाले वाजपेयी ने अयोध्या में त्रिशूलों को काबू में रखा और संघ के दबाव के बाद भी बाजार की आजादी को बेड़ियां नहीं पहनाई। शायद इसीलिए वो बन सके देश की धड़कन, जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। संसदीय राजनीति में 5 दशक से भी ज्यादा तक सक्रिय रहे अटल जी ने भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें एक विचारक की गहराई थी, वो दिग्गज राजनेता भी थे और एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी। उनमें किसी तपस्वी की तरह प्रखरता थी और वो दिल से कवि थे। वो मानवीय संवेदनाओं को न सिर्फ समझते थे बल्कि उसे अपनी कविताओं में जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो करिश्मा थे जिन्होंने आंधियों में भी उम्मीदों के दिए जलाए।
इंदिरा गांधी के बाद वाजपेयी ने ही परमाणु बम के धमाके का हौसला दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान का विश्वासघात झेला तो उसके साथ रिश्तों को नई धार भी दी। अमेरिका से नए संबंधों की शुरुआत करने वाले अटल ने अयोध्या में त्रिशूलों को काबू में रखा। संघ के दबाव के बाद भी बाजार की आजादी को कभी बेड़ियां नहीं पहनाई। शायद इसीलिए वो बन सके देश की धड़कन, जो किसी राजनीतिक परिवार के करिश्मे से कम नहीं है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।